हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का एक बयान सामने आया। जितने भी आंदोलन होते हैं उसका असर परिवहन पर पड़ता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसों पर सबसे पहला असर कोरोना का पड़ा। लॉकडाउन में कभी 2000 तो कभी 2100 बसें चलती रहीं। अब आंदोलन के दौरान करीब 2200 बसें चल रही हैं। उनके मुताबिक दिल्ली में जाने वाली सभी रोडवेज की बसें बंद की गई हैं। जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होता बसें दिल्ली नहीं जाएंगी। अब तक जितने भी आंदोलन देश में और प्रदेश में आंदोलन होते सबसे पहले इसका असर ट्रांसपोर्ट पड़ता है। सबसे पहले हाईवे जाम होंगे या ट्रांसपोर्ट बंद होगी। और कोविड की जो सी महामारी थी सबसे पहले जो बसों पे जो ट्रांसपोर्ट पे जो सबसे बड़ी परिवहन पर रही तो जब भी हमारे परिवहन सेवा बंद रही तो जो लॉकडाउन में रहा कभी 2000 बस कभी 2100 बसें चलती रहीं। जो इस तरह का आंदोलन है आज 2200 के करीब हमारी बस चली हुई। और जो वीडियो जो हमारी वॉल्वो बस हैं जो दिल्ली से चलती हैं या जयपुर से दिल्ली से जयपुर जाती हैं या चंडीगढ़ जयपुर वो सारी बसें भी बंद हैं। दिल्ली में जाने वाली सारी बसें जो प्रदेश की हैं इस समय बंद हैं। जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक कोई बस दिल्ली में नहीं जाएगी।